क्या कोरोना की संजीवनी मिल गई है? क्या कोरोना वायरस की पहली दवा भारत में तैयार की गई है? क्या योग गुरु रामदेव ने दावा किया है कि उनकी संस्था ने कोरोना की दवा को तैयार कर लिया, जिसे आज लॉन्च किया गया। रामदेव के मुताबिक इस दवा का सेवन करने वाले मरीज ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं। योगगुरु रामदेव का दावा है कि कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया जो सफल रहा, वो ऐसा दावा कर रहे हैं। 7 दिन में 100% रिपोर्ट है, वो लोग पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए 7 दिनों के अंदर अंदर। पतंजलि की नई दवा कोरोना पर बात करने के लिए हमारे साथ योगगुरु रामदेव खुद जुड़ेंगे और दवा से जुड़े एक एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपके लिए देखना जरूरी है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके कोरोना से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी कोरोना वायरस के सामने टिक नहीं पाई। सारी दुनिया जिस कोरोना वायरस की दवा तलाश कर रही है, उस कोरोना की पहली दवा कोरोनिल को तैयार करने का दावा योग गुरु बाबा रामदेव ने किया है। ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। योगगुरु रामदेव के मुताबिक कोरोनिल क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही। कोरोनिल दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर बनाई है। योगगुरु रामदेव का दावा है कि कोरोनिल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा है, जिसके ट्रायल के दौरान 69% मरीज 3 दिन में ठीक हो गए। इसके अलावा ट्रायल के दौरान 7 दिन में 100% कोरोना मरीज निगेटिव पाए गए। यह चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसमें बहुत तरह की बाधाएं भी आई कि आयुर्वेद का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम भरा काम लोग मानते थे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं, लोक भाषा में बोलते हैं कि कहीं कोई बला गले तो नहीं पड़ जाएगी। कोई बला गले पड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बला टल गई, उसके लिए डॉक्टर तोमर जी का हम अभिनंदन करते हैं। बाबा रामदेव के मुताबिक कोरोनिल के साथ 2 और दवाओं का सेवन करना चाहिए, ये है श्वासारी और अणुतेल। इन तीनों को मिलाकर कोरोना किट बनाई गई है, जिसके इस्तेमाल से कोरोना मरीज के ठीक होने का दावा किया गया है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए CTRI का अप्रूवल लिया गया और उसमें 7 दिन के बाद में जो प्लेसिबो ग्रुप था, अर्थात जिनको दवाई नहीं दी गई थी, उनके 35% लोग रिकवर नहीं हो पाए थे। इसी से किसी औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है कि इसका कितना प्रभाव हुआ, तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2-7 डेज और 0% डेथ रेट है, ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। ये दवा अगले 7 दिन में पतंजलि के स्टोर्स पर मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दवा ऐप के जरिए भी लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब एक तरीके से ये कितनी बड़ी खबर होगी, आप सोचिए, कोरोना की संजीवनी, कोरोना का दवा, पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं, कोई नहीं खोज पा रहा। हमारे यहाँ आयुर्वेद का कमाल देखिए। इस वक्त हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव खुद इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव, मिल गया रामबाण, स्वागत है आपका। रामबाण ढूंढ लिया आखिरकार आपने? प्रणाम अमन जी, ये अमन की बात है। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से एक भय खौफ व्याप्त है और छोटे बड़े लोगों से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स वो मौत के आगोश में सो रहे थे, और ऐसे वक्त में हमने जो औषधि तैयार की, और ये तो हमारे पुरखों ने बताया था ज्ञान, उसके ऊपर हमने साइंटिफिक रिसर्च किया है। 100 से ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट्स, या जिनको बोलते हैं फाइटोकेमिकल्स या फाइटोमेटाबोलाइट्स,
वो हमने खोजे, ये पूरी लैब यहाँ तो एक जगह में बैठा हुआ, यहाँ औषधियों का को दिखाने में सुविधा है, इसलिए ये सारी औषधियां रख करके मैं बैठा हूँ, जिनसे ये सारा रॉ मटेरियल भी है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है, पूरे साइंटिफिक जो पैरामीटर्स उसको फॉलो करते हुए हमने औषधि तैयार की है और 100% रिकवरी रेट है। अब इसको 100% रिकवरी बोलो, इसको उपचार बोलो, इसको क्योर बोलो, इसको ठीक होना बोलो, जो भी आप इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर लो। और हमने कोई विज्ञापन नहीं किया है, हमने तो एक अनाउंसमेंट किया है भाई, हमने एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और वो 100% उसके अंदर रिकवर पेशेंट हो गए। अब ये तो गौरव की बात है ना। अब जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन गैप है, मिनिस्ट्री ने जो प्रश्न पूछे थे उनको उत्तर दे दिया गया है, ये विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार आयुर्वेद विरोधी भी नहीं है और सरकार से लेकर के पूरी दुनिया को भी इस बात का जो है प्रतीक्षा थी कि कुछ तो ऐसा निकले, और वो हमने यदि दिया है तो ये गौरव की प्राइड की बात होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का की विवाद की मुझे गुंजाइश नहीं लगती है। बाकी जब कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं तो स्वागत करती ही है। नहीं, स्वामी रामदेव, आयुष मंत्रालय कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, पहले हमें कागज दिखाएं फिर विज्ञापन दिखाएं, इसको कोरोना की दवा कह के इसका विज्ञापन ना करें जब तक आयुष मंत्रालय को जानकारी नहीं ना दी जाए, ये स्टेटमेंट है सर यो गुरु रामदेव। पहले अभी तो कोई विज्ञापन, अच्छा बताओ कोई विज्ञापन चल रहा है क्या? हमने आज इसका अनाउंसमेंट किया और ये अनाउंसमेंट कोई भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद किया जाता है, वो हमने किया। अभी हमने कोई अभी तो कोई इसका विज्ञापन हो ही नहीं रहा है। जो आयुष मंत्रालय को मान लीजिए कुछ सूचनाओं का अभाव भी होगा तो उनको दे दी गई है और CTRI का अप्रूवल लेकर के पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है और सरकार को भी सारे पेपर सबमिट कर दिए गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, वो भी पूरा हो गया है अमन जी, इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। ठीक, और ये कोई हम कोई मनमानी नहीं कर रहे, कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहे, जो साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं 100% हमने उनको फॉलो किया है। पहले 280 रोगियों पर क्लिनिकल केस स्टडी किया गया था, उसको जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन उसके इंपैक्ट का इफेक्ट का तो पता लगता ही है उससे, लेकिन ये जो क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई, ब्लाइंड स्टडी की गई, इसमें पूरे वो पैरामीटर्स फॉलो किए गए जो भी किसी भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है स्वामी रामदेव, मैं आपसे रामबाण पर सवाल पूछूंगा, ये वैक्सीन है दवाई है, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है लोगों के जहन में, आप क्लियर करिएगा कि खाने से कोरोना नहीं होगा या कोरोना हो जाएगा तो खाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये आप मुझे समझाइएगा। लेकिन बस एक और सवाल वही आयुष मंत्रालय से जुड़ा, क्योंकि लगा था ट्विटर पर ही आपसे लोग पूछना चाह रहे हैं, अब आप जुड़ गए हैं। आयुष मंत्रालय का कहना है कि इसको कोरोना की दवा कह के प्रचारित ना किया जाए, विज्ञापन नहीं, इसको तब तक कोरोना की दवा ना कहा जाए जब तक आयुष मंत्रालय की मंजूरी ना हो, बस इससे जुड़ा बता दीजिए फिर मैं आ जाऊंगा कि क्या दवा है वैक्सीन है। चलो पहली बात तो यह है कि भैया हमने कोरोना के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया है, प्रिवेंशन के लिए तो पहले से ही बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे थे, आयुष मंत्रालय भी बोल रहा था गिलोय है तुलसी, और मैं तो पहले दिन से सबसे पहला स्वामी रामदेव है जिसने गिलोय तुलसी काली मिर्च हल्दी अदरक और दालचीनी और मुलेठी इनका काढ़ा बताया, और उससे भी हजारों हजारों लोग नेगेटिव हो गए कोरोना के जो पॉजिटिव थे, और जबरदस्त चीज है वो। मोदी जी ने भी कहा भाई काढ़ा पियो, प्राणायाम करो, केवल प्राणायाम से भी नेगेटिव हुए, इसमें क्या बात है? ये कोई जब प्राणायाम का आयुर्वेद की औषधियों का इतना प्रभाव है तो क्या हम झूठ बोले कि इसका प्रभाव नहीं है? दूसरी बात, ये जो हमने कोरोनिल तैयार किया है गिलोय अश्वगंधा और तुलसी के एक्सट्रैक्ट से, ये जो स्वासरी दिया है, ये जो अनुतेल दिया है, ये एज ए मेडिसिन दिया गया है, कोई ये फूड सप्लीमेंट के तौर पर नहीं। खुद मोदी जी यहां पर आए, उन्होंने कहा स्वामी जी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल आप करो और एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर आयुर्वेद को स्थापित करो, ये प्रोसीजर है उसका। तो 100% ड्रग डिस्कवरी का प्रोसीजर जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए जो रिक्वायर्ड जो एक मेथड होता है उसको पूरा फॉलो किया गया है सारे अप्रूवल्स के साथ, ये जो है ये कोरोना का ट्रीटमेंट किया गया है। एक बात तो उसकी इंफॉर्मेशन सरकार को दे दी गई, मैंने आपको बोला सरकार हमारे आयुष मंत्रालय से बात भी होगी, विवाद खत्म हो जाएगा।
अब आपको मैं इसका वो बता देता हूं कि मेडिसिन है कि ये कोई जो है वैक्सीन है, तो विशुद्ध रूप से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। एक आपको मैं इसके पीछे का एक साइंटिफिक बैकग्राउंड भी बताता हूं। देखो एलोपैथी में सिंगल ड्रग सिंगल ट्रीटमेंट अक्सर काम होता है, और मैं इसके ऊपर करीब 20 सालों से मैं भी अध्ययन करता हूं, और दुनिया के टॉप साइंटिस्टों से मेरा संवाद होता है। मल्टीपल इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन है कोरोना में, तो मल्टीपल ड्रग है हमारे, देखो सारे इतने तो यहां इसके रॉ मेटेरियल मैंने यहां पर रखे हुए। तो श्वासारी ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, कोरोनिल जो है वो रेस्पिरेटरी के साथ साथ हमारे सर्दी जुकाम बुखार पूरी इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है। ये जो अणु तेल है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने का काम करता है। नाक में 3-3 ड्रॉप इसके खाली पेट डालते हैं सुबह सुबह, ये खाली पेट 3-3 गोली खाते हैं, खाली पेट श्वासारी और खाने के बाद ये कोरोनिल जिसमें अश्वगंधा गिलोय तुलसी। तो ये इससे 100% पेशेंट रिकवर हुए, 3 दिन के अंदर 69% और 7 दिन के अंदर 100% पेशेंट। 100 पेशेंटों के ऊपर प्रयोग किया गया था, और कर लो भाई, और करेंगे आगे भी करेंगे हम। तो कोई दवा बेचना हमारा शौक नहीं है, देश को बचाना यह हमारा लक्ष्य है। जहां तक कोई बात है कि कोई इसके पीछे कोई विज्ञापन, क्यों हम विज्ञापन करेंगे? हमसे तो ये अभी जितने लोग मांग रहे उतने लोगों तक हम ये दवाई नहीं दे पा रहे। और ये जो कोरोनिल का भी परमिशन लिया गया तो उत्तराखंड जो है सरकार के अंदर जो आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है उसके तहत इसके कोरोनिल का परमिशन लिया गया है, उसी के तहत श्वासारी का परमिशन है, उसी के तहत अणु तेल का परमिशन है। तो बिना परमिशन के कोई भी दवाई नहीं बनाई गई। ठीक स्वामी रामदेव, मतलब इसको खाने से ऐसा भी है कि इसका सेवन करने से कोरोना नहीं होगा, या कोरोना होगा तो ये खा लीजिए कोरोना खत्म हो जाएगा, वैक्सीन या दवाई? कोरोना होने के बाद में कोरोना पेशेंट नेगेटिव हो गए तो ये तो हो गई दवा, और दूसरी बात प्रिवेंशन, जब होने के बाद ठीक हो रहा है तो पहले खा लेगा तो इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा। और ये लाजमी है, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है और कोई कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में नहीं है, तो आप कोरोना के पहली बात तो उससे संक्रमित ही नहीं होगी, यदि हो भी गए तो आप भी ठीक हो जाएंगे। तो कोरोना के पहले भी खा सकते हैं, कोरोना के बाद भी खा सकते हैं। अभी जो हमने ये जो आज जिसको लिए मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, कोरोना होने के बाद में दवाई दी और उसके बाद वो पेशेंट विदिन 3 to 7 days, 3 days में 69%, 7 days में 100% रिकवर हो गए। ये जो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया उसका रिजल्ट अनाउंस करने के लिए मैंने प्रेस की थी, उसके बाद से तब से मीडिया से बात कर रहा हूं। स्वामी जी आप जानते हैं कोरोना के 80-90% पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो मतलब ये सबको खानी चाहिए आपके हिसाब से कोरोनिल, नहीं होगा फिर कोरोना? हाँ सब खाए, जितने भी एसिम्टोमेटिक हैं, और उसमें भी एक तो इनिशियल स्टेज के हैं, एक थोड़ा जिनके अंदर लक्षण उभर भी आए, सिम्टोमेटिक जो है वो भी खा लें, वो दोनों हमने ठीक किए। जब ठीक हुए तो मैं बता रहा हूं पूरे एविडेंस के साथ, और वो सारे सरकार को भी सबमिट कर दिए। तो जो हो रहा है उसको कहना गुनाह है क्या? और मुझे नहीं लगता ये सरकार कोई आयुर्वेद विरोधी सरकार है, या मंत्रालय कोई आयुष मंत्रालय कोई आयुर्वेद के रिसर्च को या आयुर्वेद के जो है उसको विकास को रोकने के लिए बनाया गया, उसको आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया। तो हम तो सरकार का ही काम कर रहे हैं, ये कब तक मिलने लगेगा तो मार्केट में? मतलब का काम कर रहे हैं ये, क्या सिर्फ आपके स्टोर्स पर ही मिलेगा या दूसरी जगह पर भी सरकार की तरफ से भी वितरित किया जाएगा? सिर्फ आपके स्टोर्स पर, नंबर एक, कब से मिलेगा और कितने का, ये पूरी किट कितने की होगी? ये अभी तो यह एक सप्ताह में हमारा संकल्प है कि हम सब जगह इसको उपलब्ध करा दें। और जहां तक इसका आप कोस्ट की बात कर रहे हैं, तो कोरोनिल मात्र 400 रुपए का है, 120 रुपए का श्वासारी है और 15 रुपए का ये अणु तेल है, ये कुल मिलाकर के 535 रुपए की दवाई है। हम यदि पैसे कमाई के लिए धंधा के लिए करते तो 5,000 भी कोस्ट रखते तो लोग लेते, क्योंकि इससे कोरोना के पेशेंट 100% नेगेटिव हो रहे हैं, तो 5,000 की भी बेचते तो हम लेते। हमने तो इसका जो है जो रॉ मेटेरियल जो इसका प्रोसेसिंग पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट है खाली उतना इसके अंदर जोड़ करके दे रहे, और जिसके पास पैसा नहीं होगा और वो यदि ये दवाई मंगाना चाहेगा तो ऐप के माध्यम से उसको हम मुफ्त भी भेज देंगे। सरकार के स्तर पर भी ये दवाई धंधा के लिए काम ही नहीं कर रहे, हम तो आयुर्वेद के विकास के लिए बैठे हुए।
और आज योग और आयुर्वेद को जो गौरव इस देश में मिला है, जो मेरे आलोचक है, क्रिटिक्स हैं। बोलिए अब ये आगे का विषय है, उसको देखेंगे। हम तो अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे सबका भला हो, लोग मर रहे हैं अब इसमें, और हमसे कहेंगे तो हम तो कोरोना पेशेंट्स को सबको हम ही उपलब्ध करा देंगे। कोई हमारा, मैंने कहा ना, कोई व्यापार मकसद ही नहीं है ना। अभी तक जो हमने किया है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अमन जी आप तो साक्षी हैं, 15 साल से तो सारा मीडिया मेरे को कवर कर रहा है और 20 साल से बड़े मंच के ऊपर मैं काम कर रहा हूं और 30 साल कुल मेरे जो है सेवा के आयु के हो गए हैं। 40, 42, 43 सालों से योग कर रहा हूं, सारी दुनिया को करा रहा हूं और अभी भी 50 पार करके 25 की जो है बायोलॉजिकल एज के साथ में एनर्जी के साथ काम कर रहा हूं। स्वामी जी उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई संशय नहीं, बस लोगों के जहन में ये थोड़े हैरान थे, खुश भी हैं, थोड़े हैरान भी हैं। पूरी दुनिया लगी हुई है, बड़े से बड़े डॉक्टर्स लगे हुए हैं, अमेरिका से लेकर तमाम महाशक्तियां, आर्थिक महाशक्तियां लगी हुई हैं, कोई नहीं दवा खोज पाया। आपने ये कमाल कैसे किया भाई, कितना आप लोग को समय लगा, ये कमाल जो हुआ उस पर बस भरोसा करने में थोड़ा समय लग रहा है। आप समझते हैं ना, इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। अमन भाई 3 महीने से दिन रात लगे हुए हैं, पिछले करीब जो है 30 साल से हम लोग आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तब भी हमने आयुर्वेद के फॉर्मुलेशंस किए, ब्लड प्रेशर की 100% हमने दवाई बनाई क्योर करने के लिए। ब्लड प्रेशर क्योर करता हूं मैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में कोई कह नहीं सकता बीपी क्योर होता, मैं करता हूं और दुनिया कोई डॉक्टर आ जाए, कोई साइंटिस्ट आ जाए, उसका भी क्योर कर दूंगा। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, होता है तो मैं क्या करूं। मैं बीपी क्योर करता हूं, थायराइड क्योर करता हूं लोगों के, डायबिटीज पेशेंट को नॉन डायबिटीज करते हैं, इंटरनेशनल जर्नल में डेटा पब्लिश करवाया मैंने, हेपेटाइटिस क्योर करते हैं, उसकी दवाई हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल उसका कर लिया है, मींस एनिमल ट्रायल से लेकर के सारे उसके डॉक्यूमेंट हमने तैयार करते हैं, इंटरनेशनल जर्नल में उसका रिसर्च पेपर तक पब्लिश करवा दिया है। तो एक काम नहीं किया है ये, तो एक के बाद जब दूसरा देखेंगे तो लोग चौंकेंगे, 500 साइंटिस्ट यहां पर काम करते हैं, वो भंडारा खाने के लिए नहीं रखे हुए यहां पर, वो सुबह से शाम तक बेचारे 12-12, 18-18 घंटे रिसर्च करते हैं तब ये काम हो रहा है। अब लोगों को ये भी डाइजेस्ट नहीं हो तो मैं क्या करूं। पहले मैं झोपड़ी में रहता था तो बोले ये दरिद्र कहीं का, अब मैं रिसर्च करने लग गया तो बोले बाबा रिसर्च कैसे कर रहा है, 250-300 करोड़ की तो यहां पर मशीनें हैं, पूरा 500 करोड़ रुपए के इससे करीब तो इस पतंजलि रिसर्च सेंटर में खर्च हुआ, तो एक छोटे से हिस्से में अभी मैं बैठ करके आप लोगों से बात कर रहा हूं। एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग डिस्कवरी की पहली व्यवस्था पूरी दुनिया में यदि किसी ने किया तो पतंजलि आयुर्वेद ने की है, ये पतंजलि रिसर्च सेंटर ने किया, पतंजलि योगपीठ ने किया। गौरव होना चाहिए कि करीब 10,000 करोड़ रुपए मैंने योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए जो एक एक जो है पल मैंने इसके लिए जिया और लोगों की सेवा में लगाया, तब ये इतना बड़ा ये काम हो पाया। दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वैदिक शिक्षा का, प्राकृतिक चिकित्सा का इंस्टीट्यूट आज बना है, तो इसके ऊपर गौरव होना चाहिए। तो ये काम ऐसे कोई छुटभैया काम नहीं है, ये कोई काम जो है ये कोई जिसको कहते हैं खाली ऐसे मुंह उठा करके आलोचना करके ये बकवास कर देना कि स्वामी रामदेव क्या कर रहे हैं। अरे भाई आकर के देख लो, यदि मैं गलत कर रहा हूं तो फांसी पर लटका दो और यदि सही कर रहा हूं तो मुझे कोई पुरस्कार मत दो, लेकिन कम से कम ऐसे तो मत बोलो कि ये सब बकवास है योग आयुर्वेद। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा बकवास है, बल्कि जो अगर आप दवाई का जिसका दावा कर रहे हैं स्वामी रामदेव, और कोई गर्व भी करेगा ना, आप वैसे भी चीन ने बीमारी दी, भारत ही बचा रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी हमने दी दुनिया को, फिर ये बताइए ना फिर तैयारी कैसी है। अगर कल को ये अप्रूव हो जाती है, सरकार के स्तर पर शुरुआत हो जाती है, तो फिर तो दुनिया को बचाएगी कोरोनिल, तैयारी है पूरी दुनिया भर में सप्लाई करनी पड़ेगी फिर तो। जरूर पूरी तैयारी है और ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है शक नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चनिंग होती है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, मैं तो कहता हूं प्रश्न होने चाहिए। और जब हमने कोई कहते ना सांच को आंच का, जब हमने कोई गलत नहीं कर रखा, गलत मंशा नहीं है, 100% साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया है, तो हमने सरकार को जवाब भी दे दिया। मुझे लगता है कोई इसमें विवाद नहीं होगा और इससे बहुत लोगों की भलाई होगी। कोरोना ना, कोरोना चीन ने दिया तो कोरोना का इलाज भारत देगा और दे चुका है, आगे और हम बढ़ेंगे आयुर्वेद पूरी दुनिया की भलाई करेंगे। ठीक है, एक बस आखिरी सवाल, देश को भी बचाएंगे, दुनिया को भी बचाएंगे स्वामी जी, बस एक और बहुत कुछ करके दिखाएंगे अमन भाई। बिल्कुल स्वामी जी,
बस एक आखिरी सवाल, एक बार फिर से बस ये संशय दूर कर दीजिए, इसको कोरोना होने से पहले भी खाना चाहिए और कोरोना हो जाए तो खाए ही खाएं तो कोरोना खत्म हो जाएगा? ये वैक्सीन भी है और दवाई भी है, ये दोनों है, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ दोनों ना, इसको ऐसा बोलो, ये प्रिवेंशन भी है और ये उसका जो है उपचार भी है, दोनों, ऐसा बोलो, उसका प्रिवेंशन भी है और उसकी मेडिसिन भी है, ऐसा बोलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई इस रामबाण के लिए, स्वामी रामदेव का ये रामबाण है कोरोना के खिलाफ, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो हालांकि आयुष मंत्रालय की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि पहले कागज दिखाएं, उससे पहले इसको कोरोना की दवाई कहने से आप बचें, इसका विज्ञापन ना करें। हालांकि स्वामी रामदेव की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार से लगातार संपर्क में, हालांकि अगर ये सही साबित होता है जैसा रामदेव दावा कर रहे हैं, अगर लोगों का इलाज संभव हो जाता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी। दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स लगे हुए, देश लगे हुए, लेकिन कोई दवाई नहीं खोज पाया, आयुर्वेद में इसका इलाज, छोटा सा देख ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.